नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि एडिटोरियल मैटर होगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है stdforstenographer@gmail.com, या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा और खासकर लाल किले में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की घटना की ओर जनता का ध्यान केंद्रित करते हुए जो पीड़ा व्यक्त की, वह पूरे राष्ट्र की पीड़ा बननी चाहिए। इस दिन जो हुआ वह घोर अनर्थ था और उसकी कोई कल्पना भी नहीं करता था। दुर्भाग्य से किसानों के नाम पर देश को शर्मसार करने वाला यह अनर्थ हुआ। इससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से कुछ लोग इस घटना की गंभीरता को समझने से जानबूझकर इनकार करने के साथ किसानों को उकसाने में लगे हुए हैं। किसानों की समस्याओं का समाधान उन मांगों को मानने से बिल्कुल भी नहीं होने वाला, जो दिल्ली को घेर कर बैठे कुछ किसान संगठनों की ओर से की जा रही है। यह अच्छा हुआ कि किसानों की समस्याओं के हल के एक तरीके का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। उन्होंने यह जिक्र बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती का उल्लेख करके किया। निसंदेह इस तथ्य से अवगत होना सुखद आश्चर्य का विषय है कि बुंदेलखंड जैसे इलाके में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि नई तकनीक का सहारा लेकर स्ट्रॉबेरी की खेती अन्य ऐसे इलाकों में भी हो रही है जो इसके लिए नहीं जाने जाते। ऐसे सफल प्रयोग अन्य फसलों के साथ भी हो रहे हैं। उदाहरण स्वरूप उत्तराखंड के पहाड़ों में एक पूर्व फौजी सेब उगाने में सफल रहा है। खेती में नवाचार के सफल प्रयोगों पर गौर करते हुए किसानों को यह समझना होगा कि परंपरागत फसलें उगाने और उनके लिए MSP की मांग करने से बात नहीं बनने वाली। इसका कोई औचित्य नहीं कि जिन गेहूं और चावल से सरकारी गोदाम भरे पड़े हैं उनकी ही खेती पर जोर दिया जाए। कोई भी सरकार हो, वह एक सीमा तक ही गेहूं, चावल आदि खरीद सकती है। यह एक समस्या ही है कि अधिक पानी की मांग करने वाला धान पंजाब सरीखे कई ऐसे इलाकों में भी उगाया जा रहा है जहां उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यही स्थिति गन्ने और कुछ अन्य फसलों के साथ भी है। क्या यह अजीब नहीं कि पर्याप्त से अधिक मात्रा में गेहूं और धान की खेती तो की जा रही है, लेकिन दलहन और तिलहन की खेती पर कम ध्यान दिया जा रहा है। यही कारण है कि उनका आयात करना पड़ता है। यह सही समय है कि हमारे किसान परंपरागत फसलें उगाने के बजाय नकदी और उन अन्य फसलों की खेती करें जिनकी कहीं ज़्यादा मांग है
और जिनके दाम भी अधिक मिलते हैं। दिल्ली में टीकाकरण बढ़ने के साथ ही इसका दुष्प्रभाव कम होते जाना राहत की बात है और टीके के प्रति विश्वास जगाता है। हालांकि राजधानी में अब तक के टीकाकरण की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। यहां अब तक मात्र 25.18% स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका लग सका है। बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का काम बाकी है। दिल्ली सरकार ने टीकाकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से इसके केंद्रों की संख्या 81 से बढ़ाकर 106 कर दी है, जिससे ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि ज़्यादातर स्वास्थ्य कर्मी जल्द टीका लगवा लेंगे। शुरुआत में टीके के सुरक्षित होने को लेकर स्वास्थ्य कर्मी भी सशंकित थे, लेकिन 2 सप्ताह में 9 दिन टीकाकरण होने के बाद 56,733 स्वास्थ्यकर्मी टीका लगवा चुके हैं, जिनमें से मात्र 6 कर्मचारियों को ही टीके के दुष्प्रभाव के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इन सभी को छुट्टी दी जा चुकी है, जो टीके के सुरक्षित होने के प्रति आश्वस्त करता है। स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण के पहले चरण में इसलिए रखा गया है कि वे मरीजों से सबसे ज़्यादा संपर्क में आते हैं। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक है कि अधिकाधिक स्वास्थ्यकर्मी टीका लगवाएं। दिल्ली में अभी 1,78,000 स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाना शेष है, इसलिए टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाकर इस अभियान को रफ्तार दी जानी चाहिए। साथ ही स्वास्थ्यकर्मियों को भी टीका लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाने का काम जितना जल्दी पूरा होगा, उतनी जल्दी 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाना शुरू किया जा सकेगा। इसके अलावा दूसरे चरण में 50 साल से कम उम्र के उन लोगों को भी टीका लगाने का लक्ष्य है जिन्हें पहले से कोई बीमारी है। यदि स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने में ज़्यादा देर हुई तो दूसरे चरण में भी खासी देरी होगी। इसमें चरण में 42,000 से अधिक लोगों को टीका लगना है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, और हो सके तो आप लोग इसको ट्रांसक्राइब करिएगा। एडिटोरियल मैटर है, अच्छे अच्छे शब्द आए हैं जो कि करंट मैटर है, तो आपके स्किल टेस्ट में भी आ सकते हैं। तो जो लोग एम्स और DSSB का स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं, वो लोग भी इसको ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे आपको डेली एडुकेशन और उसका PDF मिल सके। PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस बुक ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली एडुकेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।